A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. Today we will going to start our third chapter of mathematics, that is fraction. So open page number 90, exercise 3.1, revision exercise. Okay, in previous class you have learned about the fractions. Today we will discuss about it in this exercise. Okay, first is look at the following figure and fill in the blanks. फिगर को देखिए और फिल क्या करना है आपको, फिलअप्स को फिल करना है. यहाँ पे ये देखिए इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स आर देयर. सो द आंसर इज 16, बिकॉज 16 इक्वल पार्ट्स हैं. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, वॉट फ्रैक्शन इज इक्वल पार्ट ऑफ द होल शेप. आपको होल शेप का सिंगल पार्ट से, ईच पार्ट से क्या करना है, फ्रैक्शन बताना है. तो ईच पार्ट क्या कहलाएगा, 1, और टोटल फिगर्स कितने हैं, 16. दैट्स वाई वी राइट हियर 1/16. ओके, थर्ड, व्हाट फ्रैक्शन इज शेडेड, टेल द फ्रैक्शन नंबर आल्सो. अब आपको बताना है इसमें से कितने पार्ट जो हैं शेडेड हैं और उसका फ्रैक्शन भी. तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 शेडेड है और टोटल कितने हैं 16. तो 8/16 करेंगे, इट मीन्स आधा, है ना. तो दैट्स वाई वी राइट हियर 1/2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट फ्रैक्शन इज नॉट शेडेड, गिव इट्स फ्रैक्शन नंबर आल्सो. काउंट करिए कितने अनशेडेड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनशेडेड हैं. तो 8 लिखा आपने, टोटल कितने हैं 16. तो आपको पता चल गया 8 अनशेडेड है और टोटल 16 है, तो इट मींस हाफ. दैट्स व्हाई वी राइट हियर फ्रैक्शन 1/2. ओके, 1/2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, आपको इनका फ्रैक्शन लिखना है. फर्स्ट इज 2 पार्ट आउट ऑफ 5, यानी कि 5 में से 2 पार्ट. तो इट मींस क्या हुआ, टोटल कितने हैं 5. जो टोटल होता है वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, यानी कि नीचे. ओके, और जो हमारा अपर होता है, जो हमें पार्ट्स बताते हैं, वो कहाँ लिखते हैं, हम न्यूमरेटर में. ओके, दैट्स वाई वी राइट हियर 2/5. और इसको पढ़ते कैसे हम, 2/5. ओके, नेक्स्ट 3 पार्ट आउट ऑफ 7 कैसे लिखेंगे, यस 3/7, और 3/7 हम इसे रीड करते हैं. इसी तरीके से आप ये नेक्स्ट करेंगे. थर्ड क्वेश्चन, फॉर दिस कलेक्शन, आपको इस कलेक्शन के लिए आपको आंसर्स लिखना है. फर्स्टली काउंट द स्टार, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 स्टार्स आर देयर. ओके, व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर द कलर्ड स्टार, कलर्ड स्टार के लिए क्या फ्रैक्शन है, कलर्ड स्टार ओनली 2 हैं. ओके, सो वी राइट 2 इन न्यूमरेटर एंड टोटल नंबर ऑफ स्टार्स आर 9, सो वी राइट 9 इन डिनोमिनेटर. सो आवर फ्रैक्शन इज 2/9. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर द अनकलर्ड स्टार. अब अनकलर्ड स्टार का फ्रैक्शन क्या है, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल अनकलर्ड स्टार कितने हैं 7. दैट्स वाई वी राइट 7 इन न्यूमरेटर एंड टोटल स्टार्स आर 9, सो वी राइट 9 इन डिनोमिनेटर. ओके, सो आवर फ्रैक्शन इज 7/9. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, राइट 3 लाइक फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर 5. 5 डिनोमिनेटर का यूज करके आपको 3 लाइक फ्रैक्शन लिखने हैं. व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन, यस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है. तो 3 लाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे, 1/5 2/5 3/5. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, राइट एनी 3 अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर डिफरेंट. सो आवर आंसर इज 1/2 1/3 1/4. ओके, नाउ टर्न द पेज. आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 3.2. ओके, सो ओपन पेज नंबर, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2. ओके, पेज नंबर 94. फर्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द फिगर्स एंड राइट फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पोर्शन. पुट अ टिक इन द बॉक्स इफ द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, एल्स पुट क्रॉस इन द बॉक्स. अब आपको यहाँ पे इन फिगर्स को देख के इनके फ्रैक्शंस लिखने हैं. इट्स सो इजी. और आपको बताना है क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो राइट का टिक मार्क कर दीजिए, और अगर नहीं है तो रॉन्ग का मार्क करना है. काउंट द फिगर, 1 2 3 4 5
सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टोटल 10 है तो डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे। कलर्ड पार्ट कितने हैं 3, तो हमने 3 न्यूमरेटर में लिखा। सिमिलरली यहाँ काउंट कीजिए, टोटल कितना फिगर है 12 और कलर्ड पोर्शन कितना है 6। ओके सो 6/12 इज अवर फ्रैक्शन। अब क्या ये इक्विवेलेंट है, बराबर है? इक्विवेलेंट मीन्स होता है बराबर। अगर हम इसको कट करें, डिवाइड करें तो हमें सेम फ्रैक्शन मिले, तो क्या मिल सकता है? नहीं। तो दैट्स वाई वी राइट योर क्रॉस। ओके नेक्स्ट ये देखिए ये फिगर, अब इसको देखिए आप, कितना फिगर में कितना पार्ट बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके तो 6 नीचे लिखा, कितने पार्ट कलर्ड है 2, तो 2 ऊपर लिखा तो 2/6 हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पे टोटल कितने फिगर्स हैं, यस टोटल 12 पार्ट में डिवाइडेड है और कलर्ड पोर्शन कितना है 4, तो क्या ये इक्विवेलेंट है? यस बिकॉज 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, तो आपको 2/6 इससे मिल रहा है ना। यस दैट्स वाई इट इज़ अ इक्विवेलेंट और हमने करेक्ट का टिक मार्क किया। इसी तरीके से आप इनको करके देखेंगे। नेक्स्ट फिल इन दी बॉक्स, फिल इन दी बॉक्स अब आपको यहाँ पे फिल करना है और इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। ओके 5/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है आपको, तो देखिए 5 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 15, बिकॉज 5 3 ज़ा 15 एंड 8 3 ज़ा 24, तो 15/24 जो है इक्विवेलेंट है किसके, 5/8 के। हम किसी भी चीज़ को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करते हैं। ओके सिमिलरली ये देखिए 27/63, अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म और क्या हो सकता है, तो 27 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे और 63 को 9 से डिवाइड करेंगे, देखिए सेम नंबर है, या तो मल्टीप्लाई कीजिए या तो डिवाइड कीजिए। ओके तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 9 3 ज़ा 27, 9 7 ज़ा 63, तो 3/7 इज इक्विवेलेंट टू 27/63। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब आपको इन फ्रैक्शंस के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। फॉर दिस लुक एट दी कॉपी, देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, सिंपली जो हमारी काउंटिंग होती है उससे हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। फर्स्टली क्या आता है, 1 1 से करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलेगा, देन हम 2 से करेंगे, देन 3 से, देन 4 से, 3 बोला है इसलिए हम 4 पे रुक जाएंगे क्योंकि 1 2 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे निकल चुके हैं, हमको क्वेश्चन में 3 ही बोला है। ओके सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 2/6 पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया हमें। नेक्स्ट 1/3 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। ओके तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 9, 3/9 सेकेंड मिल गया हमको। थर्ड 1/3 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 12, ये हमारा थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। सो आवर आंसर इज फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर 2/6, 3/9 एंड 4/12। ओके इट्स योर आंसर। इसी तरीके से आप रिमेनिंग क्वेश्चन के भी फाइंड आउट करेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर 5/8 विथ। आपको अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है 5/8 का। अब आपको यहाँ पे एक न्यूमरेटर दे दिया गया है, एक डिनोमिनेटर दे दिया गया है, और आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे इक्विवेलेंट बनाएंगे इसे। तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको क्या बोला है, न्यूमरेटर 25 होना चाहिए, तो आपने यहाँ 25 लिख लिया इक्वल्स में। अब आपको गिवन फ्रैक्शन क्या है, 5/8, तो आप 5 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 25 मिल जाए, ऑब्वियस सी बात है 5 का, बिकॉज 5 5 ज़ा 25, तो जो आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं वही आपको नीचे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा 8 5 ज़ा 40। ओके तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। इसी तरीके से डिनोमिनेटर 64 का क्या होगा, 64 लिखा आपने यहाँ पे। अब आपको पता है 8 8 ज़ा 64 होता है, तो आपने यहाँ 8 का मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर में भी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 8 ज़ा 40, सो अवर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 40/64। ओके इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। अब आपको ये बताना है कि दिया हुआ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं। अब आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं, आपने निकालना तो सीख लिया लेकिन चेक करना हो तो दो फ्रैक्शंस को सिंपली आप दोनों फ्रैक्शंस को ऐसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसके डिनोमिनेटर का इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और इसके डिनोमिनेटर का इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। देखिए 5 का किससे मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे, 8 से, और 2 का किससे मल्टीप्लाई किया, 20 से,
और दोनों का जो रिजल्ट आया वो कैसा आया? सेम। अगर सेम आता है, बराबर आता है, इट मीन्स वो इक्विवेलेंट है। और अगर डिफरेंट आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? कि वो इक्विवेलेंट नहीं है। ओके, ये देखिए, जैसे 1 × 132, ये 132 आ रहा है, और अगर 4 को आप 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 132 आ रहा है। इट मीन्स ये भी इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से आप रिमेनिंग फाइंड आउट करेंगे अपनी बुक से। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सर्कल द फ्रैक्शन विच इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू अदर। अब आपको फाइंड आउट करना है और सर्कल करना है कि कौन सा इसमें से इक्विवेलेंट नहीं है। तो देखिए, 1/7, 1/7, अब आप इसमें अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 3/21, बिकॉज 1 3 ज़ा 3 एंड 7 3 ज़ा 21। इसी तरीके से अब अगर आप इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 6 = 6 एंड 6 7 ज़ा 42। तो ये दोनों तो इक्विवेलेंट है, लेकिन अगर आप 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 7 में 2 का करेंगे तो फिर क्या मिलेगा आपको? नीचे 14 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 17 है, इसलिए ये इक्विवेलेंट नहीं है और हमने इसको सर्कल किया। इसी तरीके से आप इसको फाइंड आउट करेंगे और इसमें सर्कल करेंगे। ओके, आई होप आपको फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्लियर होगा। थैंक यू।